किसी भी वेबसाइट के वेब पेज में हम लोग तीन तरीके से अपने वेबसाइट के पेज को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। कैसे देखते हैं, आइए सबसे पहले ये हम हेडिंग लगा लेते हैं। हेडिंग लगाने के बाद ये बॉडी टैग है जो कि मेन हमारा वेब पेज है, इसमें लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल इक्वल टू देंगे, उसके बाद बैकग्राउंड कलर देंगे तो खुद भी खुद भी इसको हमारा दे देता है। यहाँ पे देखिए हो गया, यहाँ पे कोई भी कलर का नेम लिखेंगे, जैसे हम लोग रेड लिखते हैं तो रेड हो गया, उसके बाद से पर्पल लिखते हैं तो पर्पल हो जाएगा, ऐसे ही। दूसरा मेथड क्या है कि हेक्सा नंबर जो होता है उसके हम लोग उसके हिसाब से करते हैं, हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है। हैशटैग लिखे और 00 फिर FF तो ये देखिए कलर चेंज हुआ, फिर 00 लिखेंगे तो ये 6 ही नंबर से हम लोग यूज करके अपने वेबसाइट के पेज को कलर इधर उधर। फिर दूसरा कलर के लिए ये देखिए सबसे पहले F लिखते हैं, रेड आ गया, 00 दिए हैं तो हैशटैग लेकिन लगा के ज़रूर लगाएंगे तभी होगा, यहाँ देखिए। फिर तीसरा मेथड क्या है कि RGB लिखेंगे, RGB लिखेंगे और लिखने के बाद यहाँ पे रेड ग्रीन और ब्लू दिया है, इसका हम लोग ये नंबरिंग वाइज हम लोग जितना उतना नंबर देंगे तब होगा। जैसे देखिए हम लोग RGB पहले रेड था तो उसमें हम लोग कुछ नंबर देते हैं, जैसे 100 दिए, फिर इसमें भी देते हैं 100 और थर्ड वाले में भी 100 देते हैं। अगर 100 देते हैं तो देखिए कौन सा कलर बनता है, ये देखिए। और ये अगर नंबर चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे हम लोग अगर चेंज किए फिर 1000 करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये देखिए। ऐसे नंबर चेंज करते रहेंगे तो हमारा अलग अलग बैकग्राउंड कलर वेब पेज का चेंज होते रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।